हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पार्ट टू ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं, जो मेरे हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट हैं आपके एंट्रेंस मारने के लिए, उनको मैंने यहाँ पिकअप किया है। और 2 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में असाइनमेंट में रखें, जो कि आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। हालांकि मैंने आंसर दे रखा है, लेकिन उसको अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, मैं उनमें उसका सॉल्यूशन उसमें भेज दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है फॉर्मूले में। पिछली वीडियो में मैं इसको इसके तमाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बता चुका हूं, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा। और उसकी PDF वगैरह जो है टेलीग्राम चैनल पे इन वीडियोस की आपको मिल जाएगी। पिछली वीडियो की नहीं मिली थी, लेकिन मैं आज उसको सेंड कर दूंगा। ठीक, देखिए पहला सवाल है, 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। देखिए, इस सरफेस एरिया वॉल्यूम करने के लिए ना आपको ये दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सी फिगर बनती है। अगर आप ये इमेजिन कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर में करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 110%। ठीक है, अब जब एक क्यूब था उसका वॉल्यूम दे रखा था, तो पहले आपको साइड पता करनी थी। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका दे रखा था आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम पता है कि वो होता है साइड क्यूब। ठीक है, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो a निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये a निकल कर आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो अब जब ये 4 और ये 4, ये टोटल हो गई लेंथ 8, तो ये तो 4 ही रहेगी और ये 4 रहेगी, तो ये बेसिकली क्यूबॉइड बन रहा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आपको फॉर्मूला पता ही है, 2 × LV प्लस BH प्लस H × L। ठीक है, इसमें आप ये वैल्यूज को डाल दीजिए, L हो जाएगी 8, ब्रेथ इसकी 4 प्लस B कितनी है 4 × 4 प्लस 4 × 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 × ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, यानी 2 × इसको आप जोड़ लेंगे तो अंदर ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं बार बार एक चीज को समझाता हूँ कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, लेंथी क्वेश्चन दे दिया तो बच्चे कर भी नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, एक ही सवाल में कर लेंगे तो एक ही सवाल में वो दो तीन सवाल के बारे में बराबर जो है आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोई खिलौना है जो कोन की शेप में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड माउंटेन ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया हो गया है। ठीक है, सेम रेडियस है, तो ये दोनों का रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा और आपका, ठीक है, हेमिस्फीयर का भी होगा और कोन का भी होगा। और टोटल हाइट दे रखी है इसमें, देखिए टोटल हाइट दे रखी है इसमें ऊपर से नीचे तक, ये कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछ रहा है। तो इस ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस, ठीक है, अब ये सॉलिड तो बोला नहीं है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया जो आएगा निकल के वो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये जो है आपका ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सी एस ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये आधा है, टोटल कितना होता है, 4 πr² होता है, तो हाफ का कितना हो जाएगा आपका निकल के 2 πr². ठीक, अब इसमें से अगर हम पाई और आर को कॉमन ले लें तो यहां बचेगा एल प्लस यहां बचेगा 2 और r, तो 2r × r। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये है कि हमको यहां पे क्या निकालना है, जो है लेंथ निकालनी है। ठीक, लेंथ निकालनी है यहां पे, तो लेंथ जस्ट अ मिनट, लेंथ ही निकालनी है ना पहले, क्या निकालना है, टोटल हाइट ऑफ द कोन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक, तो
देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज है, हमारे पास लेंथ, इसमें लेंथ इसकी जो कर्व कर्व ये स्लैंट हाइट जो है कोण की, ये नहीं है हमारे पास, तो ये कैसे निकलेगी? अगर आप इसको गौर से देखें तो दे तो हमारे पास सब कुछ रखा है, ठीक है। ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी, रेडियस तो आपको पता ही है इसका 3.5 सेंटीमीटर है, ये हाइट भी दे रखी है, ये हाइट भी आपके पास दे रखी है, ठीक है। ये हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट ऐसे दे रखी है क्योंकि ये टोटल 315.5 है, इसमें से ये जो ये है, ये भी तो रेडियस है, रेडियस को 3.5 को माइनस कर दिए तो ये निकल के आपके पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस जब थ्योरम लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम से एल निकाल लेंगे तो एल स्क्वायर बराबर जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 42.34 12, 1225 आ जाएगा, ये 112.25। अब इसे जब जोड़ेंगे निकाल के तो आपको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ से 144 प्लस 12.25 ये आ जाएगा 156.25, और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 156.25 और ये एल स्क्वायर, और एल यहाँ से निकल कर आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस तो यहाँ डाल दीजिए आप, पाई इंटू रेडियस है आपका 3.5, बाहर ले लीजिए, एल कितना है आपका 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है 3.5, हो जाएगा 7 प्लस 12.5 को जोड़ लीजिए ज़रा, ये निकल कर आएगा 19.5, ये आ गया आपका 19.5 इंटू 3.5 इंटू पाई। जब इसे सॉल्व करेंगे आप, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका नियर अबाउट जो है 214.41 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जित एग्जामिनर आपको शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन वाला ही देगा, ठीक है, जो ट्रिकी होते हैं, जो मतलब जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़े, ठीक है। तो वही उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिकअप किए हैं। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, शेप तो वही बनेगी जो पिछले सवाल की थी, एक सॉलिड कोन है इन द शेप ऑफ कोन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, विद बोथ देयर सेम रेडियाई, वो ही बनेगी, रेडियस 1 दे रखा है, ठीक है, रेडियस इसमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है दोनों, और एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी हाइट जो है इक्वल टू रेडियस है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई इसकी, हाइट ऑफ द कोन की बात कर रहा है, टोटल हाइट नहीं, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है, टोटल हाइट दे दे, टोटल हाइट आपसे कह दे 2 सेंटीमीटर कर दे, तो इस टाइप का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो यहां से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हेमिस्फेयर का कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यहां से आपने 1/3 पाई कॉमन लिया और यहां आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, यहां आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर। अब देखिए एच प्लस आर ये दोनों 1 1 है तो कितना हो जाएगा, अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई रेडियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा एच 1 प्लस 1, देखिए एक मिनट यहां पे 2 आर है, 2 तो 1 प्लस ये 2 ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर है, ये क्यूब है, ठीक है। इतने शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ 20 मीटर डीप वेल विद अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ 22/14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपका कोई वेल है, ठीक है, आपको इसको खोदना है, कुआं बनाना है, ठीक है, और इसमें से जो मिट्टी निकाल रहे हैं इसकी जो डायमीटर है
वो 7 मीटर है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 7/2, ठीक है, रेडियस। और इसकी हाइट जो है आपकी 20 मीटर है, ठीक है। और जो क्यूब, ये इसमें से जो मिट्टी निकल रही है, तो मिट्टी को जो है आप एक प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म मतलब इस टाइप की क्यूबॉइड शेप की, ठीक है। तो ये 22 मीटर है और यहाँ 14 मीटर है, और ये आपको हाइट पूछ रहा है। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि एक चीज से निकल के दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है। तो इसमें से जो मिट्टी निकल रही है तो वो वॉल्यूम है, यानी कितना वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम इसका कितना होता है सिलेंडर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर किसके हो रहा है, इस ये जो मिट्टी निकल रही है उसको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, तो यानी वॉल्यूम तो वही है ना। तो यहाँ जो वॉल्यूम बन रहा है, ये कौन सी शेप बन रही है आपकी, ये क्यूबॉइडल शेप बन रही है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, एल बी एच, यहाँ हो जाएगा एल बी एच। यहाँ पे एच आपके अननोन है, जो आपके जो जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, और आर आर इसका कितना है, यहाँ निकाला था 7/2, तो 7/2 × 7/2 इंटू हाइट है 20 इज इक्वल टू एल, एल कितनी है यहाँ पे 22 × 14 × h, यही आपको कैलकुलेट करनी है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 22 है, 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 × 4 है, 4 × 4 = 20 है, और ये देखिए 7 × 7 7 × 2 = 14, और 2 को नीचे ले आइए तो 5/2 जो है इसकी हाइट है, यानी h इज इक्वल टू 2.5 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस ऑफ डायमीटर। देखिए, कोई आपके पास क्वाइन है जो सिक्का होता है, ठीक है, इसका डाया आपके पास मौजूद है, डाया कितना है 1.75 सेंटीमीटर, जस्ट अ मिनट, ठीक है। एंड थिकनेस, जो इसकी थिकनेस है, ये इसकी मान लीजिए ये थिकनेस है, ठीक है, ये भाई साहब की ये सिक्के की थिकनेस है, ये टी जो है, टी कितनी है 2 mm, ठीक है। तो यह ये सेंटीमीटर है, यूनिट सब में देखिए सेम सेम चल रही है, तो सेम कर लीजिएगा, तो टी इसकी सेंटीमीटर में आ जाएगी, 10 से डिवाइड कर लीजिएगा तो वो आ जाएगी आपकी 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर = 10 mm, इसी वजह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया है। अब ये कह रहा है कि कितने ऐसे क्वाइंस होंगे जिनको हम मेल्ट कर लें और एक क्यूबाइड बना लें इस शेप का। तो ये फिर वही कंसेप्ट लग रहा है, नंबर ऑफ आपके पास क्वाइंस पूछ रहा है जिनको मेल्ट किया जाएगा और कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये कौन सी शेप बन रही है, देखिए पाई आर स्क्वायर, ये सर्कुलर शेप है, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया हो जाएगा, और इसकी अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये एक का वॉल्यूम है, ऐसी कितनी होंगी, ऐसी कितनी होंगी, तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इनको बना के मेल्ट कर दिया, और कौन सी शेप बना दी, क्यूबॉइड बना दी, क्यूबॉइड का हमारे पास तीनों डायमेंशन है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5.5 × 10 × 3.5, ठीक। तो यहां से n पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7, रेडियस r, रेडियस कहां से आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1.75/2, ठीक है, इंटू स्क्वायर, इसलिए मैं इसको दो बार लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू थिकनेस कितनी है इसकी 0.2 इज इक्वल टू 5.5 × 10 × 3.5, इसको सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। अब जब इसे आप n को यहां पे एक तरफ कर दीजिए, बाकी सारी वैल्यू उधर पहुंचा दीजिए, तो ये 5.5 × 10 × 3.5, ये डिनोमिनेटर वाली चीजें ऊपर चली जाएंगी मल्टीप्लाई होके 2 × 2 × 7, और ये ऊपर वाली चीजें आपकी नीचे आ जाएंगी, यानी 22 × 1.75 × 1.75 × 0.2। जब इसको पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट जो है आपका, नियर अबाउट आपका आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपकी एन की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से निकल के 400 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स कितने चाहिए, इतने चाहिए, जो कि हम इसको एक क्यूबॉइडल शेप दे देंगे, ठीक है। ये अब बात आ रही है फ्रस्टम की, ठीक है, फ्रस्टम, ये पिछले वीडियो में इसके फॉर्मूले नहीं थे, तो फ्रस्टम किसे कहते हैं, तो फ्रस्टम आप लोगों ने सभी ने देखा होगा,
सर सैयद अहमद ख़ान की पिक्चर तो सभी लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो उनकी जो टोपी या वैसे समझ लीजिए कई सारे एग्जाम्पल हैं, टोपी भी एक एग्जाम्पल है फ्रस्टम का। फ्रस्टम इज नथिंग जस्ट लाइक आप कोन है, राइट सर्कुलर कोन है आपका। इफ यू कट इट पैरेलल टू द बेस, ठीक है, देन द रिजल्टिंग शेप विल टेक द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। अब ये पोर्शन यहां से आप हटा दीजिए तो आपका ये बन जाता है फ्रस्टम, ठीक है। तो टोपी सर सैयद अहमद खान ही इस टाइप की लगाया करते थे, बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन उनकी पिक्चर में आपको जरूर मिल जाएगी। और अगर आप देखें तो गिलास जो होता है, गिलास भी आपका एक तरीके से फ्रस्टम है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, ये इसकी शे ये हो जाता है ऊपर का R1, ये आपका है आपका R2, R2, और ये आपकी स्लैंट हाइट है इसकी, और ये आपकी एच हाइट है। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, PDF में आपके मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता, कितना होता है, 1/3 पाई इंटू एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, और R1 R2 क्या है, ये रही आपके पास फिगर, ठीक। स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन कितना होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, यानी ये वाला जो एरिया है ये पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, और स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो होता है वो ये होता है आपका, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा, ये सर्कुलर एरिया प्लस ये सर्कुलर एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया। तो वही सारी चीजें यहां है, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, क्वेश्चन नंबर ये शायद छठा क्वेश्चन है। द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर, इट इज गिवन दैट 4 सेंटीमीटर की स्लेंट हाइट दे रखी है, एंड पेरीमीटर, एंड देखिए पहले फ्रस्टम को बना ही देते हैं यहां पे, ये रहा आपका, ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड इट 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आप देखिए जो बड़ा है वो 18 लिखिए, इसका जो पेरीमीटर है यानी 2 पाई, इसको R1 कह लेते हैं हम, तो ये दे रखा है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका ये 2 पाई R2 कह लीजिए, इसे कह लीजिए 6 सेंटीमीटर, कह रहा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, L तो गिवन है, R1 R2 हमको कैलकुलेट करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो R1 R2 कहां से निकलेगा, R1 R2 क्योंकि पैरामीटर दे रखा है दोनों एंड का, तो वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू लेंथ की वैल्यू हमने रख दी 4 इंटू R1 प्लस R2। अब देखिए यहां से R1 कितना आ जाएगा, यहां से R1 आ जाएगा 18/2 पाई, तो ये आ जाएगा 9/पाई, ठीक। तो यहां रख दीजिए इसकी वैल्यू पाई इंटू 4 इंटू 9/पाई प्लस R2। इसी तरीके से R2 जब यहां से करेंगे, ये 2 पाई को नीचे ले जाइएगा, तो यहां से R2 आ जाएगा 6/2 पाई, जब से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/पाई, ठीक। तो यहां रख दीजिए 3/पाई, ठीक। अब इसका एलसीएम तो पाई दोनों तरफ से सेम है, तो 4 इंटू पाई, ये आ जाएगा आपका 9/3 12/पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, 12/4 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मुझे कराने थे, और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब ये जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, हालांकि मैंने इसमें आंसर आपको दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में आ चुका है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की वीडियो में फर्दर आप आगे बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।